फातिमा शेख एक ऐसा नाम है जिन्हें आप महान समाज सुधारक, महान शिक्षिका या फिर वंचितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की वजह से वंचितों और महिलाओं के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल कह सकते हैं। दोस्तों, फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उस जमाने में स्त्री शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। महिलाओं को घरों की चारदीवारी में रखा जाता था और पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उस समय ज्योतिबाराव फूले ने देश में शिक्षा की अलख जगाई। भारतीय महिलाओं की आइकॉन फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका तो माना ही जाता है, बल्कि उन्हें समाज सुधारक कार्यों के लिए पूरी दुनिया में भी जाना जाता है। 1848 में फातिमा शेख ने फूले दंपत्ति की मदद से अपने ही घर में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की, जो कि लड़कियों के लिए भारत में प्रथम स्कूलों में से एक था। दोस्तों, फातिमा शेख ने ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले को उस वक्त में साथ दिया जब कुछ कट्टरपंथियों को महिलाओं को शिक्षित करने की इनकी मुहिम पसंद नहीं आ रही थी, जिसके बाद इन दोनों को घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। उस वक्त फातिमा शेख ने न सिर्फ इन दोनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, बल्कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पुणे में स्कूल खोलने के लिए भी जगह दी थी। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए फातिमा शेख ने दिन रात मेहनत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन 5 स्कूलों में भी पढ़ाया जिन स्कूलों की स्थापना सावित्री बाई फूले ने की थी। उन्होंने कभी भी धर्म या जाति के अनुसार शिक्षा नहीं दी, बल्कि सभी को एक ही समझकर शिक्षा दी। कुछ समय बाद यह साफ हो गया था कि वह कुछ सीमित बच्चों को पढ़ाकर रुकने वाली नहीं थी, बल्कि उसके बाद उन्होंने 1851 में मुंबई में 2 और स्कूलों की स्थापना में भी भाग लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि फातिमा शेख बच्चों को अपने घर में पढ़ने बुलाने के लिए घर घर जाती थीं। उनका मानना था कि भारतीय जाति व्यवस्था की बाधा पार कर वंचित तबके के बच्चे पुस्तकालय में आएं और पढ़ें। वह फूले दंपत्ति की तरह जीवन भर शिक्षा व समानता के लिए संघर्ष में जुटी रहीं। अपने इस मिशन में उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। समाज के प्रभावशाली तबके ने उनके काम में रोड़े भी डाले, उन्हें परेशान किया गया, लेकिन फातिमा शेख व उनके सहयोगियों ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, फातिमा शेख की ही तरह हमारे देश में और भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज की बेहतरी के लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी समाज और सरकार ने उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया जिसकी वह सब हकदार थीं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता और उनके सराहनीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए गूगल डूडल बनाता है। बाकी का क्या ख्याल है दोस्तों आपका? इस महान समाज सुधारक के बारे में जानकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।